नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। बड़ी खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रोड पर नवागाम के पास फिर से एक सड़क हादसा हो गया है। जानकारी के अनुसार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने सूरत से आए बच्चे सरकारी बस में वापस जा रहे थे, तब पीछे से आती हुई बस ने आगे चल रही सरकारी बस में टक्कर मार दी। इस तरह से एक बार फिर से इस सड़क पर बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 4 से 5 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। घायल लोगों को तत्काल एम्बुलेंस की मदद से गरुड़ेश्वर के नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। इंडिया खबर लाइव के लिए नर्मदा से गौतम व्यास की रिपोर्ट। हालांकि जानने को मिला है कि एक सरकारी बस थी जो सूरत से प्रवासी बच्चों को लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए आए थे और वो रिटर्न हो रहे थे, तो पीछे से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बस आई और पीछे से वो सरकारी बस में घुस गई और यहां पर अकस्मात हुआ। जानने को मिला है कि जो बच्चे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए आए थे उनमें से 4 से 5 बच्चों को इजा हुई है और बाकी के जो प्रवासी जो है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की गाड़ी में है उनको भी इजा हुई है और उसको 108 एम्बुलेंस मार्फत उसको नजदीक के अस्पताल पहुँचाया गया है। इंडिया खबर लाइव से गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।